नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, ये धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं क्यों, इस महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं। तो वे तत्व जिनके परमाणु अथवा आयनों के साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक अपूर्ण भरा होता है संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये आवर्त तालिका में 2 से लेकर 13 के बीच अर्थात 3 से लेकर 12 तक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये तत्व एस ब्लॉक के तत्व एवं पी ब्लॉक के तत्वों के बीच आते हैं। ये तत्व एस ब्लॉक के तत्व जो प्रबल धन विद्युतीय होते हैं एवं पी ब्लॉक के तत्व जो प्रबल ऋण विद्युतीय होते हैं के मध्य गुणों में क्रमिक परिवर्तन को सूचित करते हैं, इसीलिए ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। उदाहरण इस प्रकार से लिख सकते हैं संक्रमण तत्वों के उदाहरण, जैसे आयरन, निकिल, कोबाल्ट इत्यादि संक्रमण तत्वों के उदाहरण है। सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र संक्रमण तत्वों के इस प्रकार से N-1 अर्थात उपअंतिम कोष के उपकोष D में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। सामान्य सूत्र N-1 D 1 to 10 NS 1 to 2 होता है। तो इनका सामान्य सूत्र इस प्रकार से N-1 D 1 to 10 NS 1 to 2 होता है। आइए अब हम ये जानते हैं कि ये धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं क्यों। तो किसी तत्व या परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति के आधार पर उसका धात्विक गुण निर्धारित होता है। संक्रमण तत्व अपने बाह्यतम कोष अर्थात अंतिम कोष से 1 अथवा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं और धन आयन बनाने की प्रवृत्ति के कारण ये धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके बाह्यतम कोष की इलेक्ट्रॉनों की आयनन ऊर्जा निम्नतम होती है और निम्नतम आयनन ऊर्जा के कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं और धन आयन बनाने की प्रवृत्ति के कारण ये धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो आज हमने संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, ये धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं क्यों, इस महत्वपूर्ण प्रश्न को जाना। और इसी प्रकार से हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। धन्यवाद।